Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in. Let's start question number 2, exercise 4.1. Check whether the fall. Check whether the value given in the brackets is a solution to the given equation or not. अब आपको इसमें क्या करना है, जो आपको इक्वेशंस दे रखी हैं, आपको चेक करना है कि जो वैल्यू साथ में गिवन है वो अगर हम इसमें पुट करते हैं तो ये इक्वेशन ट्रू होगी या फॉल्स. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट. अब इसमें हमें दे रखा है n प्लस 5 इक्वल्स टू 19 और n की वैल्यू हमें गिवन है 1. तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, दैट इज n प्लस 5. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ n, n की अगर हम वैल्यू पुट करेंगे सो ये हो जाएगा 1, n की जगह 1 और साथ में प्लस 5 है. सो 5 प्लस 1 इज 6 और हमें RHS क्या गिवन है, 19. तो मतलब इसका क्या हो गया, हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, वो कह रहे हैं कि n प्लस 5 19 होना चाहिए, तो मतलब वो गलत है. सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. फाइन, सो दिस इक्वेशन इज नॉट द सॉल्यूशन, मींस दिस वैल्यू इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन. अब सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं. 7n प्लस 5 इक्वल्स टू 19. अब ये पूरी इक्वेशन है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड 7n प्लस 5 हो गई. अब इसमें n की वैल्यू देखते हैं क्या गिवन है, n की वैल्यू हमें गिवन है माइनस 2. सो 7 के साथ n लिखा हुआ, 7n का मतलब है 7 मल्टीप्लाई हो रहा है n से, तो n की जगह मैं लिख दूंगी क्या वैल्यू है हमारे पास, माइनस 2 प्लस 5. सो 7 टू 14 प्लस माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस माइनस 14 में से 5 को आपको माइनस करना है. सो 14 माइनस 5 इज 9, लेकिन इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 14, तो साइन माइनस का आएगा. सो हमने सॉल्व किया तो ये आया माइनस 9 और ये यहाँ पे हमें गिवन है 19. मतलब अगेन LHS is not equal to RHS. मतलब कि ये जो हमें वैल्यू दे रखे है ये उसका सॉल्यूशन नहीं है. अब इसका सी पार्ट देखते हैं. अगेन लेफ्ट हैंड साइड पे है 7n प्लस 5, लेकिन सी पार्ट में हमें वैल्यू क्या दे रखी है, n की 2. सो n की जगह 2 लिख देंगे प्लस 5. 7 टू 14 प्लस 5. Now 14 प्लस 5 इज 19 और अब हमारे पास यहाँ पे RHS क्या है, 19. सो LHS इज इक्वल्स टू RHS. फाइन, मतलब कि ये जो वैल्यू है, जो 2 वैल्यू है वो इसके लिए ट्रू है, बिकॉज अगर हम n 2 लिखते हैं तो 19 आंसर आता है. ठीक है, अब आ जाते हैं डी पार्ट पे. डी पार्ट में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है 4p माइनस 3. ठीक है, और इसमें हमें p की वैल्यू दे रखी है 1. सो p की जगह 1 लिख देंगे, साथ में माइनस 3 है. सो 4 इंटू 1 4 माइनस 3. 4 माइनस 3 इज 4, में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 1 और हमें इक्वल्स टू में क्या दे रखा है, 13. मींस अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है. ई पार्ट में सेम इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास है 4p माइनस 3. ठीक है, इसमें लेकिन आपको पी की वैल्यू पुट करनी है माइनस 4. सो हम यहां गया 4, इसमें लिखेंगे माइनस 4 माइनस 3. सो 4 इंटू 4 इज 16. साइन किसका आएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्लस माइनस माइनस, साइन आएगा माइनस का, साथ में माइनस 3. अब दोनों माइनस में है, सो माइनस माइनस प्लस, 16 प्लस 3 इज 19. बट इन दोनों में से अब बड़ा कौन सा है, 16, 16 के साथ माइनस है, सो ये आ गया माइनस 19. राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, 13. मींस अगेन
लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. ठीक है, कमिंग टू द लास्ट पार्ट, एफ पार्ट में फिर से हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है 4p-3. अब इसमें p की वैल्यू गिवन है 0. सो 4 × 0 - 3. 4 × 0 = 0 - 3. सो 0 - -3 = -3. अगेन लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट क्वेश्चन नंबर 2. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3.